नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में, जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार रहता है। मित्रों, हम सब ने चींटी को देखा है किसी दीवार पर चढ़ते हुए। चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, गिरती है, लेकिन अपना प्रयास तब तक जारी रखती है जब तक कि वो सफल ना हो जाए। बहुत कुछ सिखाती है हमें, और ऐसा ही कुछ सिखा रहा है आज का सुंदर सुवाक्य। महानता कभी भी ना गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठने में है। नेल्सन मंडेला। दोस्तों, अगर हम गलतियों से सीखने को तैयार हैं, तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। किसी ने बड़ी खूबसूरती से कहा है, या तो जीत रहा हूँ या सीख रहा हूँ। कृतज्ञता और निरंतर आत्म सुधार हर कदम पर जीत सुनिश्चित करता है। इसी के साथ यदि ईश्वर में आस्था हो और जीवन की प्रक्रिया में विश्वास हो, तो जीवन आनंदमय हो जाता है। मित्रों, जब हम छोटे थे तो एक बार में ही तो चलना नहीं सीखा। गिरते थे, फिर खड़े होते थे, गिरते थे, फिर खड़े होते थे, चलने की कोशिश करते थे, लेकिन कभी हार नहीं मानते थे। तो जब बचपन में हमने हार नहीं मानी, तो अब क्यों हार माने? अभी भी हम चलते रहें, आगे बढ़ते रहें। तो जीत के सुंदर विश्वास के साथ आइए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट हेल्थ टिप्स की ओर। मेरा एक मित्र था, वो कहा करता था, कहते हैं ना कि सच्ची दिल तो मुराद हासिल। उसे वो इस रूप में कहता था कि पेट साफ तो मुराद हासिल। यदि पेट साफ नहीं है तो फिर मन अनमने से रहता है, बहुत सारी बीमारियां शरीर में घर कर जाती हैं। जी हाँ, मैं कब्ज की बात कर रहा हूँ। और आज के इस हेल्थ टिप्स में हम कब्ज के बारे में ही जानने वाले हैं कि कैसे हम इससे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति। आमतौर पर देखा गया है कि 90% पब्लिक को कब्ज की शिकायत होती है। कई कहते हैं कि हाँ, रोज स्टूल पास प्रॉपरली होता है, लेकिन रेसिड्यूल कॉन्स्टिपेशन, थोड़ा प्रमाण में रह जाना स्टूल का, ये कईयों में देखा गया है, जिसके कारण टॉक्सिन्स अंदर ही रह जाते हैं और जिससे दूसरी बीमारियां होती है। तो कब्ज से छुटकारा पाने के लिए रोज हम क्या ले सकते हैं? तो एक तो जैसे कहा कि रेशेदार पदार्थ लेने हैं, जैसे सब्जियां और फ्रूट्स है, उसमें हाई फाइबर ये डाइट है, रेशे बहुत है, तो उसे हमें रोज लेना है। लेकिन साथ साथ हम एक ऐसी दवाई जो रोज ले सकते हैं जिसका कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, वो है त्रिफला। हरडे, बहड़ा, आंवला तीन फलों से बना है और मार्केट में ये प्रोडक्ट टैबलेट के रूप में, चूर्ण के रूप में मिलता है। रोज रात को खाना खाने के पहले लगभग 7-8 बजे 3 टैबलेट त्रिफला की, या तो 1.5 चम्मच त्रिफला पाउडर 1 ग्लास पानी के साथ हमें ले लेना है। जिंदगी भर चालू रखते हैं तो भी इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, तो इससे कब्ज से छुटकारा पा सकते हैं। ओम शांति। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कुछ और खाद्य पदार्थों के बारे में जो कब्ज से छुटकारा दिलाने में बहुत सहायक हैं। सबसे पहला है गुनगुना पानी, दूसरा दलिया, तीसरा है अंजीर, चौथा नींबू, पांचवा है अदरक वाली ग्रीन टी, छठा है तिल, सातवा किशमिश, आठवा केला, नौवा मुलेठी, दसवा है नियमित व्यायाम। तो ये थे कब्ज से राहत देने वाले कुछ अनोखे घरेलू उपाय। आइए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट स्पिरिचुअल इंडिया की ओर,
जिसमें हम भारत के अलग अलग स्थानों के दर्शन करते हैं, वहाँ की महत्ता को जानते हैं और कैसे वहाँ की संस्कृति, वहाँ के लोगों के रहन सहन और साथ ही आध्यात्मिक बातें हमें प्रेरित करती हैं, उन बातों को देखते और जानते हैं। आज हम एक ऐसे राज्य की ओर चल रहे हैं जिसके लिए कहा जाता है कि इस राज्य का निर्माण देवों ने किया है और साथ ही वैदिक काल में इसे ब्रह्मावर्त के नाम से भी जाना जाता था। ये वो राज्य है जो अंतर्राष्ट्रीय पटल में खेलों के क्षेत्र में भारतवर्ष का नाम रोशन करता रहता है। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने, हरियाणा। आइए चलते हैं हरियाणा की ओर। भारत का एक कृषि प्रधान राज्य है जो कि अपने संस्कृति परंपराओं के लिए तथा अपने अलग अलग जीवन शैली तथा खान पान रीति रिवाजों और लोक गीतों के लिए जाना जाता है। पानीपत की लड़ाई, महाभारत का युद्ध आदि ऐतिहासिक घटनाओं के लिए हरियाणा को एक अलग पहचान मिली हुई है। हरियाणा में ज़्यादातर लोग खेतीबाड़ी करते हैं और अधिकतर लोग गाँव में रहते हैं। कहा जाता है कि यहाँ के लोग काफी हाजिर जवाब होते हैं। यहाँ के ज्यादातर लोग दूध, दही, घी, मक्खन, छाछ आदि लेते हैं। इसलिए कहा भी जाता है, देशा मा देश हरियाणा, जहाँ दूध दही का खाना। यहाँ के कुछ प्रमुख स्थल हैं हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूजियम, यादवेंद्र गार्डन पिंजौर, किंगडम ऑफ ड्रीम्स, सुल्तानपुर नेशनल पार्क और दमदमा झील, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय। कई वर्षों से हरियाणा में स्थापित अपने सेवा केंद्रों के माध्यम से ईश्वरीय ज्ञान जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। फरीदाबाद, मानेसर, सोनीपत, हिसार, कदमा और भी हरियाणा के कई छोटे व बड़े शहरों तथा गांवों में ब्रह्मा कुमारीज की ईश्वरीय शिक्षाएँ अलग अलग प्रोग्राम्स व कोर्सेस के माध्यमों से लोगों को लाभान्वित कर रही है। ब्रह्मा कुमारी संस्था अपनी ऑर्गेनिक योगिक फार्मिंग प्रोग्राम के जरिए किसानों को जागृत कर रही है, जिसे कई किसान अपने खेतों में शाश्वत योगिक खेती को अपना रहे हैं। गुरुग्राम में स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर भी सन 2003 से अलग अलग प्रोग्राम और कोर्सेस के माध्यम से हरियाणा और दिल्ली ही नहीं बल्कि देश विदेश के लाखों व्यक्तियों का जीवन परिवर्तित कर रहा है। ओआरसी की डायरेक्टर आदरणीय राजयोगिनी बी के आशा दीदी जी कई वर्षों से ईश्वरीय शिक्षाओं को युक्तियुक्त और बड़े स्नेह के साथ लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ओआरसी में बिताया गया एक एक पल आत्म उन्नति की ओर बढ़ता एक सार्थक कदम है। मित्रों, दो मित्र एक तालाब के किनारे से गुजर रहे थे। एक मित्र ने कहा कि मेरे दादाजी की घड़ी इस तालाब में गिर गई थी और एक साल के बाद वो निकली, लेकिन तब भी चल रहे थे। दूसरे मित्र ने कहा कि मेरे दादाजी भी इसी तालाब में गिरे हुए थे, एक साल के बाद निकले, बिल्कुल सही सलामत निकले। पहले ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या कर रहे थे तेरे दादाजी नीचे? तो बोला, तेरे दादा की घड़ी में चाबी भर रहे थे। सचमुच कई बार कोई बात ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा बड़ी करके कह दी जाती है, जो हजम नहीं होती। लोग समझ तो रहे होते हैं लेकिन फिर भी फेंकने वाले फेंक रहे होते हैं। कहीं ऐसा हमारे साथ भी ना हो, क्योंकि ये बात सचमुच व्यवहारिक क्षेत्र में हमें लज्जित करने वाली हो जाती है। कुछ ऐसी ही सुंदर सी बात आज प्रोफेसर राजीव शर्मा जी कर रहे हैं, आइए ज़रा ये भी सुने। सभी देखने सुनने वालों को प्रोफेसर राजीव शर्मा का सादर नमस्कार। मेरा एक मित्र मुझसे मिला, बोला, राजीव भाई, दो फैक्ट्री यूरोप में डाल चुका हूं और तीसरी के लिए अमेरिका में ट्राई मार रहा हूं, 20 रुपए हैं क्या? मैंने कहा, 20 रुपए तो नहीं है, ये चार पंक्तियां सुनता जा कि इतनी लंबी मत फेंको, इतनी लंबी मत फेंको, छिछालेदार हो जाएगी जिंदगी, झूठ के सहारे नहीं चलती,
इतनी लंबी मत फेंको, छिछालेदार हो जाएगी। जिंदगी झूठ के सहारे नहीं चलती, सब समझ जाते हैं आपकी असलियत को, नाग फनी पर चमेली नहीं खिलती। नमस्कार। मित्रों, जीवन तो सभी जी रहे हैं, लेकिन जीवन को कैसे खूबसूरत अंदाज में जिया जाए, कैसे इसका भरपूर आनंद लिया जाए और औरों को भी आनंद प्रदान किया जाए। आर्ट ऑफ लिविंग सचमुच अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हम सबको सीखनी चाहिए, और हम इसे सीखकर औरों के जीवन में भी सुंदर खुशहाली ला सकते हैं, और यही कार्य हमेशा से ही करता आ रहा है ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन। आइए देखते हैं कि ये विश्वविद्यालय किस प्रकार ये कार्य कर रहा है पीस न्यूज हाइलाइट्स में। मॉस्को में बीके केंद्र में आयोजित नए साल के कार्यक्रम की शुरुआत एक शाकाहारी उत्सव के साथ हुई, जहां मेहमान स्वादिष्ट शाकाहारी व्यंजन आजमा सकते हैं और उनके लाभ को समझ सकते हैं। बाद में द लिविंग फेरी टेल का प्रदर्शन किया गया, जहां पिनोचियो, सिंड्रेला, थंबेलिना और अन्य परी कथानायक वंडरलैंड की खोज कर रहे थे, जहां हमेशा के लिए खुशी, शांति और सद्भाव हो। यात्रा के अंत में फादर फ्रॉस्ट ने ये रहस्य खोला कि वंडरलैंड की कुंजी हमारे अपने परिवर्तन में निहित है। सभी ने एक उपहार प्राप्त किया। फादर फ्रॉस्ट और अन्य परी कथानायकों के साथ तस्वीर क्लिक की। तो मित्रों, ये था आज का सबरंग। उम्मीद करता हूँ कि इसकी बातें आपके दिल को छुई होंगी, और साथ ही इस बात से आप प्रेरित भी हुए होंगे कि हम भी अपने जीवन में इन सुंदर बातों को शरीक करें, शामिल करें। इन्हें तो शामिल करें ही, लेकिन साथ साथ परमात्मा को भी ज़रूर अपने जीवन में शामिल करें, जो हमेशा ही हमें सुकून देने वाले हैं, शक्ति देने वाले हैं, हमारा मार्गदर्शन करने वाले हैं। यदि थोड़ी थोड़ी देर हम उनका ध्यान करते रहें, तो उनका बल, उनका प्रकाश हमारे जीवन में कभी निराशा के अंधकार नहीं आने देगा। तो आज के दिन क्यों ना बीच बीच में हम अपने मन के तार को ईश्वर से जोड़ते हुए आज के पूरे दिन का सुंदर आनंद लें। बने रहिएगा सबरंग कार्यक्रम में। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।